सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके पास में अच्छा खासा डिवाइस तो होता है कि वो बड़े गेम्स को जो कि 1 GB के आसपास के होते हैं उन्हें अच्छे से चला ले, बट उनके पास में किसी रीज़न की वजह से इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से जो है वो ऑफलाइन गेम से सर्च करते हैं प्ले स्टोर पर या फिर यूट्यूब पर। बट जिस तरीके का उनका डिवाइस होता है तो बहुत टाइम ऐसा हो पाता है कि उनके डिवाइस के हिसाब से उनको गेम्स नहीं मिल पाते हैं ऑफलाइन में। तो इसकी वजह से जो है मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट गेम्स अंडर 1 GB फॉर एंड्रॉयड, और जितने भी गेम्स हैं ग्राफिक्स के मामले में भी बहुत अच्छे हैं और गेम प्ले भी बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमेशा बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्मर गेम्स देखने को मिलते हैं, बट जब से ये गेम आया है मार्केट में तब से YouTube की हर बेस्ट ऑफलाइन गेम की वीडियो में इस गेम ने अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनरूली हीरोज़ गेम के बारे में, जिसका साइज़ है 900 MB। अब ये जो गेम है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस गेम का आप साइज़ से पता लगा सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्मर टाइप का गेम वो भी 900 MB में इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि इस गेम की जो जर्नी है बहुत ही बड़ी है। और यहाँ जो है आप 4 कैरेक्टर के साथ में प्ले कर सकते हैं और चारों कैरेक्टर को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। साथ में जो है आप एडवेंचर में बहुत सारे आपको कॉम्बो मूव्स पावर्स भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक ऑफलाइन यूज़र हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि ऑफलाइन जब भी गेम्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेड गेम्स जो कि पैसों वाले गेम होते हैं वही हमको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये गेम भी जो है पेड है, बट मैं लिंक तो आपको गूगल प्ले स्टोर की ही दूंगा क्योंकि चैनल अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो यहाँ कॉपीराइट आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसकी वजह से। बाकी आप इसको जो है गूगल पे जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, आप इस गेम को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज के टाइम में हर ऑफलाइन यूज़र एक ऑनलाइन टाइप का गेम चाहता है, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल, फ्री फायर, और उसके अलावा उसको कोई और दूसरा गेम नहीं दिखता है। तो ऐसे में हम बहुत सारे ऑफलाइन क्रिएटिव गेम्स को पीछे छोड़ रहे हैं, लाइक ल्यूमिनोसिटी। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं ल्यूमिनोसिटी गेम की, जिसका की साइज़ है 1 GB। अब ये एक पज़ल प्लस एडवेंचर टाइप का गेम है, बट इस गेम को अलग ये बनाता है कि इस गेम के अंदर जो भी कैरेक्टर्स या फिर बिल्डिंग्स है वो हैंड क्राफ्टेड यानी कि हाथ के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये जो गेम है ये आपको अलग तरीके का गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने वाला है। अब ये गेम इतना यूनिक है इसकी वजह से आपको शादी और पार्टी में जितने टाइप के खाने नहीं मिलते हैं उससे ज़्यादा तो इस गेम ने अवार्ड जीत लिए हैं। तो इस गेम को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये गेम पेड है, तो अगर आप कैपेबल हैं पैसे देने के लिए तो आप इसको दे सकते हैं, बाकी आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिल से कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल, तो उसी में से ये गेम एक है। और इस गेम का नाम है ओडमार और गेम का साइज़ है 503 MB। अब ये जो गेम है ये एक प्लेटफॉर्मर टाइप का गेम है, बट ये थोड़ा 3D टेक्सचर के साथ में मिलेगा, यानी कि आपको थोड़ा 3D टाइप का ये जो गेम प्ले है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो गेम है भाई साहब बहुत ही खतरनाक गेम है। अभी मतलब मैंने इसको 2 या 3 हफ्ते पहले ही इस गेम को पूरा कंप्लीट करा, और इस गेम के जो बॉस आते हैं ना वो तो भले ही गेम ऑफलाइन है बट इस गेम के जो बॉस हैं वो अलग ही लेवल के हैं। मतलब वो इतने खतरनाक एआई वाले गेम हैं कि हर हमने गेम में बॉस होने देखे होंगे वो एक पैटर्न में मारते हैं हमको, बट इसका जो 3rd और 4th बॉस है वो अलग ही लेवल का, वो दूसरी पैटर्न में मारते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से ही मारने लगते हैं। तो ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मैंने तो कम्प्लीट कर लिया पूरा, अब आपकी बारी है। तो चलिए बात करते हैं एक 3rd पर्सन गेम की। तो इस गेम का नाम है माइंड सेल और गेम का साइज़ है 563 MB। अब ये जो गेम है ये एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का गेम होने वाला है, क्योंकि ये जो गेम है थोड़ा फ्यूचर में बेस है। अब इस गेम के अंदर में जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि आप जो हैं उसके ऊपर में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो अब उससे जो है आपको बचना है और यहाँ से निकलना भी है, जिसके बीच में आपको जो है ये रोबोट टाइप के आएंगे इनको मारना भी है। तो बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है, और साथ में बीच में गेम में कटसीन्स भी आते हैं, तो इससे जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है और भी ख़तरनाक हो जाएगा। तो इस गेम को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो कोई मुझसे एक ओपन वर्ल्ड गेम मांगेगा जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के साथ में आए, तो मैं उसे ये गेम सजेस्ट करूंगा। तो मैं हाँ बात कर रहा हूँ फाइनल स्वेड मोबाइल एडिशन गेम के बारे में, जिसका साइज़ है 1.1 GB। वैसे वीडियो का टाइटल था अंडर 1 GB, बट ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, बट गेम बहुत अच्छा लगा इसकी वजह से मैंने इसको लिस्ट में 2nd प्लेस पर भी रखा है, और 1 GB के ऊपर है फिर भी रखा है। वैसे ये गेम जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से आप जो है शायद इस गेम के बारे में नहीं जानते हो, बट प्ले स्टोर पर ये गेम अवेलेबल है। अब ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप जो
मेन प्रोटेगनिस्ट है आपकी माँ बीमार है, तो आपको जो है एक जंगल में से जो है उनके लिए हर्ब्स यानी जड़ी बूटी लेके आनी है। तो आप जो है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ये आता है कि आपने अभी तक अभी स्वॉर्ड भी नहीं उठा रही, यानी कि नॉर्मल टाइप के इंसान हैं आप, तो क्या आप लेके आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो जंगल है उसके अंदर में बहुत सारे मॉन्स्टर है, तो इसके लिए तो आपको गेम खेलना पड़ेगा। अब वैसे ये जो गेम है पहले निंटेंडो के लिए था, बट अब मोबाइल के लिए भी आ चुका है, तो इसके लिए जो है मोबाइल की स्पेक्स बहुत हाई होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आप इन्होंने प्रोसेसर मेंशन करा है वो है स्नैपड्रैगन 820 जो कि फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है। तो अगर आपका मोबाइल फ्लेक्सिबल लेवल का है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ में ये गेम आपको मिलेगा। तो आज भी अगर कोई मुझसे एक ऑफलाइन रोल प्लेइंग आरपीजी गेम मांगेगा तो मैं उसे यही गेम देने वाला हूँ, और इस गेम का नाम है एनिमा एआरपीजी, और इस गेम का साइज़ है 681 MB। अब ये गेम इसलिए बेस्ट नहीं है ताकि कि ये गेम ऑफलाइन आरपीजी है या फिर हाई ग्राफिक्स टाइप का गेम है, ये गेम इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस गेम के अंदर में हमको रेगुलर जो अपडेट है वो पुश होते रहते हैं। अब वो भी ऐसे वैसे नहीं कि बग फिक्स होंगे, ऐसे नहीं, इस गेम में जब भी अपडेट आते हैं उसमें कुछ ना कुछ नए आइटम्स या फिर नए लेवल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिस टाइप के हमको जो है अपडेट्स में पबजी या फिर इस टाइप के ऑनलाइन गेम्स में मिलते हैं। तो इस गेम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही मस्त गेम है, अपडेट के साथ में आपको मिलेगा। तो अगर ये ख़त्म भी हो जाएंगे इसके लेवल तो आपको अपडेट के साथ में न्यू लेवल्स मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा गेम है, आपको इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतने, आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपने हमारी वीडियो को भी पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।